सो मेरे भाइयों, अगर आप भी BSNL फाइबर लेना चाहते हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो मेरे भाई ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे भाई BSNL ने धमाका कर दिया है। एक ऑफ़र हम सबके लिए वो लेके आ चुके हैं और दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी स्पीड, वो भी कम दाम में। कौन सा वो ऑफर है सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि BSNL फाइबर, आप भारत फाइबर, आप ऑप्टिकल फाइबर, आप कुछ भी बोल सकते हो, BSNL ब्रॉडबैंड भी बोल सकते हो। कहने का मतलब कि आप फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। सो बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है, तो अगर आपने लिया ही हुआ है तब भी ये वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि भाई बात ही कुछ ऐसी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिस मर्जी स्टेट में रहते हैं, जिस मर्जी आप सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हो, ठीक है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं रैंडमली इनकी वेबसाइट के आप जाके आप भी चेक कर सकते हो। रैंडमली मैं कोई भी मान लो हरियाणा का निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हरियाणा में अब इन्होंने मान लो जो इनका पहले 499 वाला प्लान था, उसमें ये पता क्या कर रहे थे, उसमें ये 40 Mbps की स्पीड दे रहे थे। 3300 GB तो पहले ही मिलता था, बट अब इन्होंने अपने 499 वाले प्लान में थोड़े चेंजेस किए हैं। इन्होंने 499 वाले प्लान में अब ये दे रहे हैं हमको 60 Mbps की स्पीड, ठीक है। सो इतना ही नहीं, अगर हम इनका 599 वाला पहले प्लान लेते थे तब हमको 60 Mbps मिल रही थी, जो हमें 499 में अब मिल रही है। बट अगर अब हम 599 रुपए का प्लान लेते हैं तो इन्होंने कंप्लीट डबल देंगे, पूरे 100 Mbps की स्पीड देंगे। पहले 599 में 60 Mbps की स्पीड मिलती थी, अब 100 Mbps की मिलेगी। और इन्होंने जो GB है वो पहले 3300 GB थी, अब इन्होंने 4000 GB टोटल GB आपको यूज़ करने के लिए दे दी है। कुछ मेरे भाई मेरे को पूछेंगे कि भाई ये जो स्पीड इन्होंने बढ़ाई है, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंटली है? सो मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने पहले पंजाब में, जैसे कि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं BSNL फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने चंडीगढ़ में भी, अभी फ़िलहाल के लिए मैं देख रहा था, चंडीगढ़ में भी इन्होंने क्या किया है, जैसे कि आपकी स्टेट में है 499 वाला प्लान, मतलब कि कई और स्टेटों में होगा 499 वाला प्लान, ठीक है। हमारे यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया था, हमारे यहाँ पे पंजाब में पता इन्होंने क्या किया था, 499 वाले प्लान को 495 बना दिया था, और पहले 40 Mbps स्पीड मिल रही थी, फिर ये डबल स्पीड देने लगे। कहने का मतलब 100 Mbps की स्पीड देने लगे 495 में। 599 वाला प्लान था, इन्होंने 595 वाला बना दिया, और पहले जो 599 वाला था उसमें ये 60 Mbps दे रहे थे, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। सो 599 को 59 बनाया और उसमें 150 Mbps की स्पीड देने लगे। ये पंजाब के लोगों को बहुत तगड़ा ऑफर दिया था, बट बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई पंजाब के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि BSNL आपकी सुन रहा है, ठीक है, हमारी वीडियो के जरिए, और BSNL ने भी आपके लिए और स्टेटों में भी अपनी जो मतलब कि MBPS जो स्पीड है वो बढ़ाई है, ठीक है। बट मैंने कई स्टेट में देखा है कि अभी भी 499 वाले प्लान में 40 Mbps ही दे रहे हैं BSNL फाइबर वाले। बट कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनमें 499 वाले प्लान में अब 60 Mbps की स्पीड आपको देखने को मिल रही है, और 599 वाले प्लान में 100 Mbps की स्पीड मिल रही है। सो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नया कनेक्शन लेने जा रहे हो तब आप मतलब कि इनकी वेबसाइट के ऊपर पहले विजिट करो, फिर वेंडर से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। हाँ, बट ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर आपने पहले लेके रखा हुआ है और आप बोल रहे होंगे कि भाई मेरे को कैसे मिलेगा, तो मेरे भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मेरे को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने मतलब BSNL फाइबर में 499 वाला प्लान लिया था, उन्होंने 495 बना दिया उसको अपने आप ही, और स्पीड 40 Mbps पहले आ रही थी, अपने आप ही 100 Mbps मेरे को स्पीड अपने आप ही मिलने लगी, उन्होंने पीछे से कर दिया था। ये ऑफ़र, ये जो स्कीम है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये चलती रहेगी। मेरे को भी यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 6 मंथ हो चुके हैं, तो अभी भी स्कीम मेरी बंद नहीं हुई है। 40 Mbps से 100 Mbps मैं अभी भी यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर आपके स्टेट में भी स्पीड इंक्रीज़ की गई है तो ये
टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंटली ही हो गई है। ठीक है मेरे भाई, छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, मैंने सोचा अपने भाइयों को जरूर बता देनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज की स्माइलिंग, जय हिंद।